तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास वीवो का मोबाइल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वीवो का मोबाइल है। अगर आपके पास कोई सा भी मॉडल का अगर वीवो का फ़ोन है, या तो नया मॉडल हो या पुराना मॉडल हो, कोई सा भी मॉडल का अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है, अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ प्रॉब्लम आखिर है क्या इस फ़ोन में। तो यहाँ पर जैसे ये डाटा केबल हुआ, चार्जिंग केबल, तो इसको मैं जैसे यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, इस फ़ोन को चार्ज में लगाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा। तो कुछ देर चार्ज में लगाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, चार्ज होता है या नहीं, देख सकते हैं चार्ज उठा लिया है बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इस फ़ोन में यह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही शो करने के बाद आपका फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, चाहे आप रात भर लगा के क्यों नहीं रख दें, आपका फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं होगा। देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अनेबल टू चार्ज, प्लीज़ कनेक्ट आवर आफ्टर सेल्स सर्विस। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए इस वीडियो में आप लोग बने रहें, पूरी तरह से वीडियो को वॉच कीजिएगा, आप बिल्कुल 100% है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस फ़ोन को चार्ज से हटा लें, हटाने के बाद यहाँ पे सिम सॉकेट होगा जो कि मैंने देख सकते हैं पहले से मैंने निकाल के इसमें रख दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल से, अगर आप नहीं निकाले हैं सिम ट्रैक, तो सिम ट्रैक को सबसे पहले निकाल लीजिए। निकालने के बाद यहाँ पे इस पैनल को इस प्रकार से नाखून के सहारा से आप पुश कीजिएगा, धीरे धीरे चारों तरफ आपका ये पैनल खुल जाएंगे। तो अगर आपके पास दूसरा मॉडल है तो आप देख लीजिए किस प्रकार से खुलता है, आप सही तरीक़ा से खोल लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बार इस फ़ोन को रिपेयरिंग किया गया है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम शो देखने को मिल रहा है। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ले लें, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कागज़ का टुकड़ा है, और इस कागज़ के टुकड़े को आपको कहाँ पे डालनी है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से इसको खोल लेना है, जो भी स्क्रू नॉट लगा हुआ है सभी को खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से पकड़ना है, और यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर का यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, तो इस कागज के टुकड़े को यहाँ पे आपको रख देना है, इस प्रकार से रख देना है। तो देख सकते हैं मैंने इसको ढक दिया हूँ, ढकने के बाद पीसीबी को अच्छी तरह से बैठा लें, बैठाने के बाद मैं आप लोग को चेक करके दिखाऊंगा कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए मैं चार्ज में फिर से लगा देता हूं। तो चार्ज में लगाने के बाद यहां पे देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है 100%। अगर आप भी इस प्रकार से करेंगे तो हो सकता है कि आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर दोस्तों ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, इस पीसीबी बोर्ड को खोल लेना है, अच्छी तरह से वॉश कर देना है, और ये फ्लैच पत्ता है, बैटरी कनेक्टर, ये चार्जिंग सीसी बोर्ड है यहाँ पे, यानी कि सभी कनेक्शन को अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर कागज़ का टुकड़ा को डालने से अगर नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है, इस प्रकार से इसको उठा लेना है, फिर से उठा के इस प्रकार से रखें, और कागज़ का टुकड़ा बहुत ज़्यादा दे दें अंदर में चेक करने के लिए फ़िलहाल, तो इसके अंदर में कागज़ का टुकड़ा दे दें, और जहाँ भी इसका स्पीकर कनेक्शन है यहाँ पर, तो वहाँ पे आपको नहीं ढकना है, बाकी बात पूरा ढक देना है। ढकने के बाद इस प्रकार से चार्ज में लगा के चेक कर लेना है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। इस प्रकार से जैसे देख सकते हैं इसको मैं खोल लिया हूँ, ढीला कर दिया हूँ, ढीला करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो आ चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो किसी किसी भाई का पैनल लगाने के बाद फिर से प्रॉब्लम वापस आ जाता है, तो मैं पैनल भी लगा के आप लोग को दिखाता हूं। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं यहां पे कागज़ टुकड़ा मैंने डाला हूं, और इसको मैं इस तरह से
पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद मैं इसका पैनल भी मैं पैक कर देता हूँ और उसके बाद मैं चेक करूँगा मेरा प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हुआ या नहीं। तो देख सकते हैं मैंने लगा दिया हूँ पैनल को। अब मैं फिर से इस फ़ोन को चार्ज में लगा के देखता हूँ प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं। तो चलिए मैं चार्ज में लगा दिया हूँ, अब देखिए प्रॉब्लम आता है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से वीवो का कोई सा भी फ़ोन का एनेबल टू चार्जिंग आवर सेल्स सर्विस इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।